दिल्ली आजाद हो चुकी थी और 11 मई से 31 मई 1857 तक दिल्ली की क्रांति की खबर बिजली की तरह सारे देश में फैल गई। पर दूसरे शहरों के क्रांतिकारी नेता ये निश्चय नहीं कर पाए कि वो अपने यहाँ तुरंत क्रांति शुरू कर दें या 31 मई तक इंतजार करें। फिर भी ये लपटें तो क्रांति की लपटें थीं, बगावत की लपटें, फैली तो फैलती चली गईं। बुलंदशहर छावनी में 9 नंबर पलटन के सिपाहियों ने एक क्रांति के प्रचारक को पकड़ लिया। इस प्रचारक को पलटन के मुख्यालय अलीगढ़ लाया गया। अंग्रेज अफसरों ने उसे फांसी की सजा दी। 20 मई 1857 शाम का समय था। देशी सिपाहियों के सामने उस प्रचारक को फांसी पर लटका दिया गया। ये देखकर देशी सिपाहियों में क्रोध भड़क उठा। देखते क्या हो, ये शहीद देश की आजादी के लिए बलिदान हो गया और हम लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। अरे आगे बढ़ो और इन फिरंगियों का नाश कर दो। अंग्रेज डर के मारे कांप उठे। अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो फौरन अलीगढ़ छोड़ दो। और 20 मई की रात को ही अलीगढ़ अंग्रेजों से खाली हो गया। अलीगढ़ पर हरा झंडा फहराते हुए क्रांतिकारी सिपाही खजाना और गोला बारूद लेकर दिल्ली की ओर चल पड़े। फिर क्रांति की लपटें मैनपुरी होती हुई इटावा पहुंची। इटावा के कलेक्टर ह्यूम ने पुलिस और जनता के प्रतिनिधियों से मदद मांगी कि क्रांतिकारियों को दबाया जाए, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। अंत में इटावा में मौजूद अंग्रेज सिपाहियों ने क्रांतिकारियों को दबाने की कोशिश की और लड़ाई छिड़ गई। अंग्रेज सिपाहियों के साथ मजिस्ट्रेट मिस्टर डेनियल भी मारे गए। बचे हुए अंग्रेज किसी तरह जान बचाकर भागे। मिस्टर ह्यूम तो महिलाओं के वेश में भागे। अब बगावत की लपटें बरेली पहुंच गईं। यहां क्रांति की योजना बना रहे थे नवाब खान बहादुर खान। बड़ी होशियारी से, सावधानी से, चुपचाप 31 मई 1857 की सुबह ठीक 11 बजे तोप छूटी और 68 नंबर पलटन ने क्रांति का बिगुल फूंक दिया। अंग्रेजी झंडा उतारा गया, हरा झंडा फहराने लगा। बरेली की क्रांति में अफसरों सहित अनेक अंग्रेज मारे गए। केवल 32 अंग्रेज अपनी जान बचाकर भाग सके। खान बहादुर खान पूरे रुहेलखंड के सूबेदार बने और बख्त खां प्रधान सेनापति। खान बहादुर खां ने जनता के नाम एक ऐलान जारी किया। हिंदुस्तान के रहने वालों, आजादी का पाक दिन जिसका बहुत अरसे से इंतजार था आ पहुंचा है। मुसलमानों, अगर तुम कुरान की इज्जत करते हो, हिंदुओं, अगर तुम गौ माता की इज्जत करते हो, तो अब अपने छोटे छोटे झगड़ों को भूल जाओ और इस पाक जंग में शामिल हो जाओ। एक झंडे के नीचे लड़ो और खून की नदियों से अंग्रेजों का नाम हिंदुस्तान से धो डालो। उधर दिल्ली पर बहादुर शाह जफर का शासन हो चुका था। उनके बुलावे पर बरेली के बहादुर बख्त खां भारतीय सेना के सेनापति बनने के लिए चल पड़े। उनकी सेना के साथ शाहजहांपुर, बदायूं और मुरादाबाद से आई देशी पलटने, तोपें और खजाना था। 3 जून को आजमगढ़ में 17 नंबर की पलटन ने क्रांति शुरू कर दी।
लेकिन उन्होंने अंग्रेजों को मारा नहीं, बल्कि उनके वहां से चले जाने का बंदोबस्त करके इमारतों, खजानों और गोला बारूद पर कब्जा कर लिया। 4 जून 1857 को ये चिंगारी बनारस पहुंची। अंग्रेज अफसरों ने तय किया कि देशी सिपाहियों से उनके हथियार रखवा लिए जाएं। उन्हें परेड ग्राउंड बुलाया गया। अंग्रेज अफसरों ने जैसे ही देशी सिपाहियों को हथियार रखने का आदेश दिया कि इन सिपाहियों ने अंग्रेजों पर हमला बोल दिया। अंग्रेजों ने सिख पलटन को मुकाबले के लिए आगे किया, लेकिन मुकाबला तो दूर, वो अपने भाइयों से गले मिलने लगे। जब मुकाबला ही नहीं तो लड़ाई कैसी। अंग्रेजों को शांतिपूर्वक बनारस से जाने दिया गया। इलाहाबाद तो पास ही था, ये लपटें वहां भी पहुंच गईं। इलाहाबाद के किले में गोला बारूद और हथियारों का बहुत बड़ा भंडार, 6 नंबर की देशी पलटन और मुट्ठी भर अंग्रेज सिपाही थे। देशी सिपाही क्रांति के लिए तैयार थे, पर उन्होंने बड़ी चालाकी से अंग्रेजों को बहकावे में रखा। हम तो आपके साथ हैं हुजूर। हुजूर, हमें दिल्ली भेज दीजिए, हम बाकियों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। 6 जून 1857 की सुबह एक बार फिर अंग्रेज अपनी तसल्ली के लिए देशी सिपाहियों से मिले। भरोसा कीजिए, भरोसा तो कीजिए आप, भरोसा तो कीजिए ना हुजूर हम पर आप। उन्होंने बड़े स्नेह से अंग्रेजों को गले लगाया। उसी रात जब अंग्रेज खाना खा रहे थे कि अचानक बिगुल की आवाज गूंज उठी। अंग्रेज घबरा उठे, इस वक्त ये बिगुल की आवाज कैसी। बैरकों से सिपाही अपने हथियार लेकर निकल पड़े। चारों ओर भगदड़ मच गई। इलाहाबाद में क्रांति शुरू हो चुकी थी। बहुत से अंग्रेज मारे गए, उनके बंगले जल गए। 7 जून 1857 इलाहाबाद कोतवाली पर हरा झंडा फहराने लगा। शहर में हरे झंडे का जुलूस देखने लायक था। जनता में इतना उत्साह आ गया कि छोटे छोटे बच्चे भी हरे झंडे का जुलूस निकालने लगे। क्रांतिकारियों ने कैदियों को जेल से मुक्त कर दिया। सरकारी खजाने पर भी उनका अधिकार हो गया। रेल और तार व्यवस्था ठप पड़ गई। रेलवे स्टेशन पर क्रांतिकारियों का पहरा था। इलाहाबाद के स्वाधीन होते ही आसपास के गांवों में भी हरा झंडा फहरा उठा। अंग्रेजों के बनाए जमींदार हटा दिए गए और उनकी जगह पुराने खानदानी जमींदार फिर आ गए। अंग्रेज इतिहासकार मानते हैं कि उस समय इलाहाबाद में कोई भी ऐसा न था जो उनके खिलाफ ना हो गया हो। बच्चे बच्चे में क्रांति की भावना जाग चुकी थी। लेकिन इलाहाबाद किले पर अभी तक क्रांतिकारियों का कब्जा न हो सका था, क्योंकि वहां मौजूद कुछ भारतीय सिपाही अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। आखिर प्रमुख लोगों ने मिलकर मौलवी लियाकत अली को शासन का कामकाज संभालने के लिए इलाहाबाद का सूबेदार बनाया। मौलवी लियाकत अली बहुत नेक इंसान थे, सब लोग उनका बहुत आदर करते थे। मौलवी साहब ने खुसरो बाग को अपना केंद्र बनाया। वो दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर को वहां के हालात की खबर भेजते रहे और इलाहाबाद के किले में मौजूद देशी सिपाहियों को क्रांति में शामिल होने के लिए पैगाम भेजते रहे। लेकिन इन सिपाहियों ने अंग्रेजों का ही साथ दिया।
इस तरह इलाहाबाद के किले को छोड़कर सब जगह क्रांतिकारियों का अधिकार हो चुका था।